श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचामरितेवनावं सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मात्वा काचिदपि भाविष्व्या विदत मात्वाश्येन उदुबोधीन्मासु पर्णो मात्वा विदधिषु मान् वीरो अस्ता पित्र्यामनुप्रदिशङ्कनिक्रदत्सुमङ्गलो भद्रवादीपदेह अवक्रन्ददक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते मानस्थेन ईशतमाघशं सो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तथा हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे जी, डीन रिसर्च गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री ए बी शुक्ला सर, तथा आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच विशेष उपस्थित श्री के डी सिंह जी, आप रिटायर्ड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश से हैं। उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यह वेबिनार की श्रृंखला, जैसे हम कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, हमारे प्राचीन भारतवर्ष के ज्ञान और विज्ञान का दर्शन कराने वाली एक अभिनव श्रृंखला है। बहुत सारे प्राचीन विषयों पर यहाँ पर टॉक्स और वेबिनार चलते हैं, जिसके बीच आज का हमारा प्रमुख विषय है वैदिक माइक्रोबायोलॉजी। अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि सभी को विषय की उत्कंठा है, मैं हमारे आज के प्रमुख वक्ता का परिचय देने के लिए हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव पांचाल जी को निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सुरेश जी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की बात है आज डॉक्टर आरसी दुबे, रमेश चंद्र दुबे जी का परिचय करवाते हुए। आरसी दुबे जी, वर्तमान में आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। साथ में ही आप रिसर्च विंग और फैकल्टी ऑफ मेडिसिनल साइंस एंड हेल्थ, इसके भी डीन के रूप में भी कार्यरत हैं। आपके यदि शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए, आपने एमएससी तथा पीएचडी दोनों ही विषय बॉटनी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही आपने किया है। मुख्य रूप से आपका जो कार्यक्षेत्र है, माइक्रोबायोलॉजी, पीजीपीआर, माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, ये विशेष क्षेत्र में आपने लगभग 33 साल का काफ़ी सुदीर्घ आपका अनुभव रहा है, जिसमें आपका रिसर्च का अनुभव भी है, साथ साथ में आपने टीचिंग का भी 33 साल का अनुभव रखते हैं। इस 33 साल के सुदीर्घ इस काल में आपने लगभग 26 विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन किया है। आपके मार्गदर्शन में ही 26 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में 6 विद्यार्थी जो है आपके मार्गदर्शन में भी पीएचडी में कार्यरत हैं। अभी तक लगभग आपने 190 रिसर्च आर्टिकल आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पत्रिकाओं में और जर्नल्स में आपने प्रकाशित करवाया है। और लेखन के क्षेत्र में आपका यदि योगदान देखा जाए तो अभी मुख्य रूप से मैं केवल माइक्रोबायोलॉजी के ही विषय को जिक्र कर रहा हूँ, तो 6 बुक आपने लिखा है, जिसमें वैदिक माइक्रोबायोलॉजी ए साइंटिफिक अप्रोच, और दूसरा है कि वैदिक माइक्रोबायोलॉजी एक वैज्ञानिक दृष्टि, और बाद में टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, इन पुस्तकों का आपने लेखन कार्य किया है। साथ में आप 8 ऐसे बुक है जिनका आपको एडिटर के रूप में काम किया है, जिसमें हिमालयन माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक है, और माइक्रोवाइब्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट दूसरा है, और इनोवेटिव अप्रोचेस इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकल अप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए टेक्नो कमर्शियल अप्रोच, इत्यादि। इस प्रकार के आपने लगभग 8 पुस्तकों का आपने को ऑथर के रूप में काम किया है। और ये आपकी जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज में आपकी जो इसके रूप में बोर्ड ऑफ स्टडीज के रूप में आपने अपने मार्गदर्शन देते रहते हैं, और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज के रूप में देखा जाए तो नॉमिनेटेड मेंबर
न्यूयॉर्क अकादमी ऑफ साइंसेस और एसोसिएटेड एडिटर के रूप में आपने द जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी JIBS के आपने एसोसिएट एडिटर हैं, और उसी प्रकार एडिटल बोर्ड ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, और एक आपकी अकाडमिक एंड इवेलुएशन कमिटी स्टेट बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के भी आप मेंबर हैं, और एक आपका विशेष योग्यता यह है कि कन्वीनर के रूप में आपने काम किया जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ग्रॉसरी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मोलॉजी ऑफ HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2007, 2010 एवं 2012 में आप कन्वीनर के रूप में काम किए हैं, और आपने 2011 और 2012 में काउंसलर के रूप में इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी है, और मुख्य रूप से एक नेशनल सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसका बाइनोकुलर ऑफ होलिस्टिक सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी तथा DDU स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आयोजन किया गया है, उसका आप ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में अभी काम किया है। और आप आपकी और एक विशेषता यदि मैं जिक्र करूँ तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, इसके आप इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी के आप चेयरमैन के रूप में भी आपने सेवाएं दी है, और इतने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में आपके इस विशेषताओं को देखते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप हमारे बीच में अब इस विषय पर प्रकाश डालने की उपस्थित है। सर, मैं आपका स्वागत करते हुए आपका मुख्य भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। नहीं, यदि मैं संक्षेप में कहना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि श्री दुबे का जो व्यक्तित्व है उसके सामने सभी उपाधियां बहुत छोटी पड़ जाती हैं। इतना कितना भी सुनाया हो सब कम है। मैं केवल एक छोटी सी बात करूंगा कि हमारे साथ एक दूसरे विशेषज्ञ बैठे हैं फॉरेस्ट के ही, श्री KD सिंह। इन्होंने फॉरेस्ट के बहुत काम किया है इन सभी फील्ड्स में। जब इनको मैंने बताया कि प्रोफेसर दुबे का वक्तव्य होगा तो अपना और काम छोड़ के ISC में दूसरी सेमिनार में थे, कर यहाँ आ गए हैं। स्टेट परिषद का परिचय नहीं है, सही परिचय यह है कि फॉरेस्ट में जीवों के बारे में, वनस्पतियों, जो अध्ययन इन्होंने किया है, जो रुचि इनकी है, ये सुनकर के कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट, वैदिक माइक्रोबायोलॉजी, मैं अवश्य सुनूंगा। वो सेमिनार इन्होंने छोड़ दी, तो इससे बढ़िया परिचय दुबे जी का नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ कहा सब छोटा है। आपका बहुत बहुत स्वागत दुबे जी, आप शुरू। जी दुबे सर। हाँ, अब लेक्चर शुरू करूं? जी जी जी, सर जी। अच्छा, मास्क उतार दें अपना। जी दिखाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी आज पीपीटी के, अभी सर आपकी पीपीटी अभी शेयर नहीं हुई है। अच्छा, ये देख रहा हूँ, देख रहा जी जी हूँ। सुंदर। हाँ, देख रहा हूँ। अब आपका पूरा आभा मंडल सामने आ गया है, आप बोले और आनंद आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिखाई दिया जी? हाँ जी, हाँ जी, ये फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। हाँ, कर रहा हूँ, बोले इसके ठीक है। अरे जी, हाँ जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रेरणा स्रोत श्री आर्य भूषण शुक्ला जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, और अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नीरज गुप्ता, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। मिस्टर श्रेयस उरेकर, मिस्टर अनुराग देश पांडे, डॉक्टर संजीव पांचाल, ये पूरी IKS की टीम, और डॉक्टर साहब जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किए हैं, उनको वैदिक माइक्रोबायोलॉजी अच्छा लगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्लेटफॉर्म पर जो बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आखिर यह वैदिक माइक्रोबायोलॉजी मैंने विषय क्यों चुना? वैदिक माइक्रोबायोलॉजी कोई एक नया विषय नहीं है। हमारे ऋषि परंपरा में ऋषियों ने इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी, हमारे जैसे युवा पीढ़ी है,
उसको अगर वेद की, विज्ञान की, उपनिषद की, वेदांत दर्शन की अगर बातें करें तो सारे कहते हैं कि आप तो पुरानी ख्याल के लोग हैं। इन सबको एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए मैंने यह सोचा कि आधुनिक विज्ञान को वैदिक विज्ञान की भाषा समझानी चाहिए, और इसीलिए मैंने वैदिक माइक्रोबायोलॉजी पे काम करना शुरू किया। थोड़ा मैं बेसिक इसका बताऊंगा दो चार मिनट में, इसके बाद मैं मूल विषय पे आ जाऊंगा, क्योंकि ढेर सारे लोग इस से जुड़े हुए हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूं आखिर वेद क्या है। वेद ज्ञान को बोलते हैं, एक वेद को कलेक्शन ऑफ हिम, जो हमारे ऋषियों ने मंत्र को दिया, उन सारे मंत्रों को एक जगह समाहित कर दिया गया है, उनको वेद कहते हैं। वेद पहले लिखे नहीं गए थे, वेद सुने जाते थे, कहे जाते थे, शिष्य गुरु परंपरा में गुरु उपदेश देता था और शिष्य उसको सुनता था, और हजारों वर्ष तक यह परंपरा चलती गई। उस समय लिपियां नहीं थी, भाषा थी, लिपि का विकास बहुत ही बाद में हुआ, और लगभग आज से 9,500 वर्ष पहले यह लिपिबद्ध किया गया। आज से 9,500 वर्ष, ईसा से लगभग 7,500 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया, और इसके जो रचयिता थे वो हमारे सारे ऋषि थे, वह आर्य थे। उन्होंने एक सभ्यता डेवलप किया जिसको बोलते हैं आर्य सभ्यता। वेद आए कहां से? कहा जाता है ऐसा उपनिषद में कि चार ऋषि थे, अग्निदेव, वायुदेव, आदित्य और अंगिरा। इन चारों ने परमपिता परमात्मा का स्मरण किया और अनंत काल तक इनकी इन्होंने तपस्या की, और खुश होकर के उस परमपिता परमात्मा ने अग्निदेव को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायुदेव को यजुर्वेद का, आदित्य देव को सामवेद का, और अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को अनेक भागों में, विभिन्न भागों में, चार भागों में बांटा गया है, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपवेद अग्निवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थवेद। ब्राह्मण इसके हैं आयुर्वेद के ऐतरेय, धनुर्वेद का शतपथ, गंधर्ववेद का सामवेद और अर्थवेद का गोपथ ब्राह्मण। इन सब को चूंकि मैं अपने यहाँ वैदिक माइक्रोबायोलॉजी गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में एमएससी बीएससी में पढ़ाता हूं, तो इन सबको मैंने चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इन सारे वेदों के महावाक्य हैं, एक एक महावाक्य है। ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा है, जहां से वेवलेंथ निकलती है, माइंड डिस्टर्ब चलता है, जहां से ज्ञान निकलता है, स्टोर होता है, उसको कहते हैं प्रज्ञान, विशेष ज्ञान, वह ब्रह्म है। यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सामवेद का मंत्र है तत्त्वम असि, वही तत्व जो ईश्वर में व्याप्त है वही मैं हूं। और अथर्ववेद का महामंत्र है, महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारी आत्मा है यह ब्रह्म है, और क्योंकि मैं उसी ब्रह्म का एक भाग हूं। तत् एजत् आगे कहा गया है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते, पूर्ण से में से पूर्ण को निकाल लेने पे जो बचता है वह पूर्ण ही है, इसलिए यह अयम आत्मा ब्रह्म यह अथर्ववेद में कहा गया है। जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड केवल हम एक कुछ काल में नहीं बांट सकते। जब तक वेद का अध्ययन किया जाता था और इस परंपरा को लोग मानते थे, अपने जीवन में आचरण करते थे, उन सारे काल को कहा जाता है वैदिक पीरियड, वैदिक काल। भगवान राम का भी काल, भगवान कृष्ण का भी जो समय था यह वैदिक पीरियड था, क्योंकि भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के पास वेद का अध्ययन करने गए थे। इसलिए जो ये जो वैदिक पीरियड है केवल उस समय तक नहीं सीमित किया जा सकता कि जिस समय वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। वेदों के जो हमारे ऋषि थे, उन ऋषियों ने लिखा, और आपको तो मालूम होगा सबको कि ये जो वेद है इसमें मेडिसिनल प्लांट का भी वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, और वहीं से प्रेरित होकर के हमारे ऋषियों ने सारे वनस्पतियों का वर्णन किया, और उन्हीं वनस्पतियों में से संजीवनी भी आती है, जिसको हनुमान जी लेने के लिए गए, उसका भी एक काल था संजीवनी को कब संग्रहित कर सकते हैं,
खैर ये तो वाल्मीकि रामायण में इसकी लंबी कथा है, वह मैं नहीं जिक्र करना चाहता, समय कम है। और हमारे ऋषियों की एक कल्पना थी, ऋग्वेद में आता है किड़वंतो विश्वमारम, हम पूरे विश्व को ही आर्य बनाएंगे, यह कल्पना लेकर के हमारे ऋषि आगे बढ़े थे। और जो इसका इसकी जागरूकफल एरिया है, जागरूकफी आप देख सकते हैं, यहाँ गांधार से जहां आजकल मारकाट मचा हुआ है तालिबान और अफगानिस्तान, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये गांधारी यही गांधार की थी, और यहाँ से लेकर के आज जो म्यांमार है, ब्रह्म देश है, प्रदेश है, यहाँ तक फैला था, बहुत ही विस्तृत इसका काल था। कुछ ऋषियों का मैं नाम गिनाना चाहता हूँ, अंगिरा, कण्व, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भृगु, कश्यप, अगस्त, भरद्वाज, ढेर सारे ऋषि इसी परंपरा के रहे हैं, और इन सबको आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का प्रयोग हमारे वैदिक साहित्य में जगह जगह मिलता है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो वाल्मीकि रामायण में आया है, सर्वदा भी गतः सद भी समुद्र इव सिंधु भी आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रियदर्शिनः, भगवान राम के लिए कहा गया है कि भगवान राम यह सर्वगुण संपन्न है, यह पुण्य आत्मा है, और इनका जो हृदय है इस समुद्र से भी गहरा है, और समान भाव सब के ऊपर रहते हैं, और प्रियदर्शी हैं, सबको यह प्रिय लगते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमें जो इतिहास पढ़ा गया, मैं भी जो इतिहास पढ़ा हूं बचपन में, हमें पढ़ा गया था कि आर्य भूमध्य एशिया से आए, आर्य विदेशी थे, आर्यों में और हिंदुस्तानियों में खूब युद्ध हुआ, ये सब गलत की बात है, ये सब बिल्कुल गलत है। आर्य विदेशी नहीं, आर्य भारत के मूल निवासी हैं, और इसका मैं प्रमाण सहित बात करना चाहता हूं। आर्यों ने भारत पर नहीं किया था आक्रमण, ये यहीं के मूल निवासी हैं। 2019 में एक रिसर्च पेपर छप करके आया, और यह बहुत ही बढ़िया रिसर्च पेपर है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, और इस रिसर्च पेपर में वसंत सिंधे, नीरज राय और इनके सहयोगियों ने रिसर्च किया है। इन दोनों का फोटो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने क्या काम किया, हरियाणा में हीरागढ़ी एक जगह है, 2015 से इन्होंने खुदाई शुरू कर दिया, लगभग 300 एकड़ में खुदाई की गई, 7 टीलों में से नरकंकाल निकले, उन्हीं नरकंकाल में से एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन नरकंकालों का इन्होंने चूर्ण बना करके इसमें से डीएनए निकाला। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी जानते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जानते हैं, और इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया दक्षिण भारत के लोगों के साथ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान, सारे और अंडमान निकोबार, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से लोगों का ब्लड सैंपल लेके, यहां से हड्डियों का, नरकंकाल का उन्होंने निकाल के जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया तो उसका निष्कर्ष यही निकला, आर्यंस एंड द्रविडियंस इमर्ज फ्रॉम द सेम फोर फादर। अंग्रेजों ने यहां झगड़ा लगाया कि ये जो मूल है वह द्रविडियन है, आर्य नहीं है, जबकि यह रिसर्च कहता है आर्य और द्रविडियन एक ही है, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के मूल निवासी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो हमें इतिहास पढ़ाया गया और तथा कथित चाटुकार इतिहासकारों ने जो कुछ पुस्तकें लिखा वो बिल्कुल असत्य और गलत है। एक और बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर लालजी सिंह, अब तो खत्म हो गए, दिवंगत हो गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक डायरेक्टर थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और इनको सन ऑफ द सॉयल पुरस्कार मिला। इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का ब्लड का सैंपल निकाल करके कहा जेनेटिक मिक्सचर इन रिसेंट इंडिया, जो आज के भारत में लोग हैं इन सबका कहीं ना कहीं जेनेटिक मिक्सचर है, जो विदेश में गए हैं या विदेश से लौट करके आए हैं। तो इनके भी रिसर्च पेपर का अगर अवलोकन करें तो यह सिद्ध होता है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे, और इन्होंने एक समय काल दिया है 1900 से लेके 4022 वर्ष तक यहाँ पर आर्यों ने खेती करना शुरू कर दिया था। अब मैं मूल विषय पे आता हूं, कृमि या जर्म्स, माइक्रोब्स। वैदिक साहित्य में माइक्रोब्स शब्द नहीं है क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है, वैदिक साहित्य में कृमि शब्द आता है, कृमि।
कृमि को दो तरह से कहा गया है, एक कृमि जो दिखाई देते हैं और दूसरा कृमि जो दिखाई नहीं देते हैं। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के जीवों को कहा गया है कृमि। और इस कृमि को निरुक्त में परिभाषित किया गया है क्रव्य मेदित क्रमते वी स्यात शरण कर्मणा कामते भी क्रव्यते। यह जो क्रव्य शब्द है इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई जीव बाहरी कहीं तत्वों से अपना बाहर के पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, वहां से लेता है, उसको बोलते हैं क्रव्य। दूसरा है क्रम। क्रम शब्द जो क्रमण करे, जो धीरे धीरे संक्रमण करे, आगे मूवमेंट शो करे, वह शब्द है क्रम। क्रम धातु से बना है। एक हुआ काम, काम काम माने कामना, टू डिजायर टू विश। तो निरुक्त में इन तीनों शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है। अब सवाल उठता है कि आज का जो वैज्ञानिक है वह एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ को कहता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन सारे इन सारे जर्म्स का, सारे कृमियों का वर्णन ऋषि कणों ने किया है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रेफरेंस सहित मैं बताना चाहता हूँ कि कहां नहीं कृमि हर जगह पाए जाते हैं, माइक्रोब हर जगह पाए जाते हैं, अनेक रंग के होते हैं और इनके अंदर सड़ाने की क्षमता होती है, अथर्ववेद में कहा गया है। और आंख में, नाक में, दांतों के बीच में कृमि पाए जाते हैं, अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा गया है। कृमियां बहुत तेज भी फैलती हैं, जैसे कि आपने देखा कोरोना वायरस बहुत तेज फैलता है और बहुत जल्दी इन्फेक्शन करता है, दर्द करता है, यह अथर्ववेद में है। यह दिखाई और नहीं दिखाई देते हैं और इसको वच नामक पौधों से मारा जा सकता है, यह अथर्ववेद में है। और कृमियां सर्वत्र पाई जाती हैं, इसलिए इसको यूबिकुटस कहते हैं, अथर्ववेद में आता है। और ये कृमियां सर्वाइव भी करती हैं, लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, ये भी अथर्ववेद में है। और कृमियां, कृमियों में एक पॉइजनस इफेक्ट होता है, जहरीला इनका स्वभाव ही होता है, अथर्ववेद में है। और इन कृमियों को सूर्य के किरणों के द्वारा मारा जा सकता है, यह भी अथर्ववेद में है। थोड़ा इनका डिटेल में अभी बताता हूं थोड़ी देर बाद। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जब बायोलॉजी बच्चों को या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से। मनुस्मृति में बहुत अच्छा वर्गीकरण किया गया है, स्थावर कृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पा सकच्छपा पशुश्च मृगाश्च जगन्नाथ तामसी गति। जो स्थावर है, स्थावर में प्लांट जो चल नहीं सकते वो पौधे, कृमि जो आंख से दिखाई नहीं देती, मत्स्या मछलियां, सर्प, इन सब का वर्णन आजकल पढ़ाया जाता है। सर्प रेप्टाइल्स हम लोग कहते हैं, सकच्छपा बोलते हैं मोलस्क को, पशुश्च मृगाश्च जगन्नाथ तामसी गति। ऐसे तरह इन सारे जीव जंतुओं को ये तीन गतियां हैं, तामसी, राजसी और सात्विक, इनको तामसी गति में रखा गया है। तो इसमें कृमि भी आता है और इसकी गणना की गई है कृमियों की, हमारे ऋषियों ने लिखा है, पद्म पुराण में आता है, जलजान नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्या पक्षी राम दस लक्षणम त्रिंस लक्षाणी पशु चतुर्लक्षाणी मानुषा। कि जो जलजा है, वाटर बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 9 लाख है। अस्थावर जो प्लांट है ये 20 लाख है। कृमि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 11 लाख है। पक्षी बर्ड्स एवीज बोलते हैं बायोलॉजी में, ये 10 लाख है। चतुष्पद क्वाड्रोपेड जो चार पैर से चलने वाले जानवर, ये 3 लाख है। और चतुर्लक्षाणी मानुषा, मानुषा जो मनुष्य है, ये 4 लाख है। हम लोग तो कहेंगे हम तो अकेले हैं आम ब्रह्मास्मि, लेकिन नहीं, इनको कहते हैं मैमल्स, इस ग्रुप में आते हैं, ये 4 लाख हैं। इसमें बनमानुष भी आता है, तो गोरिल्ला भी आएगा, इसमें बानर भी आते हैं। बानर माने मंकी नहीं, बानर माने वानर, जिसके अंदर विशेष गुण हो वह वानर है। इन कृमियों को चूंकि आंख से दिखाई नहीं दे सकते, तो इनको आखिर कैसे इनके बारे में जानेंगे। महाभारत के शांति पर्व में आता है, सूक्ष्म योनि भूतानि तर्क गम्यानि कानिचित। जितने भी सूक्ष्म योनि के जीव जंतु हैं, इनको देख नहीं सकते, लेकिन तर्क गम्यानि कानिचित, तर्क के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई, आज के जमाने में लोग जाते हैं शादी में, पार्टी में खाना खा के आते हैं, अगर दूषित खाना खाए हैं तो उनका पेट दर्द होने लगेगा, रात में गैस बनेगी, तो अंदाज लगा लेंगे कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई,
ये जो फूड पॉइजनिंग है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। यह तर्क है, कोई व्यक्ति देख नहीं रहा है लेकिन यह तर्क है। इसलिए जितने सूक्ष्म योनि के जीव जंतु हैं दिखाई नहीं देते, तर्क से वहां तक पहुंच सकते हैं। और दिखाई देने वाला दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो पूरा ब्रह्मांड मेरे मुंह में चला जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। कृष्ण ने कहा न तो माम सकसे दृष्टु नैनैव स्वचक्षुषा, तुम इन नंगी आंखों से मेरे उस विष रोग को नहीं देख सकते, इसलिए दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, तो उन अदृश्य चीजों को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तो दिव्य दृष्टि जिसको हम आज कहते हैं माइक्रोस्कोप, इसकी कल्पना श्रीमद् भगवत गीता में ही की गई है, भगवान कृष्ण के समय में या उसके पहले की गई थी। कुछ मैं उदाहरण यहाँ बताना चाहता हूँ कौन कौन सी कृमियां हैं। 111 कृमियों का नाम वैदिक ग्रंथों में आता है, केवल चारों वेद में, मैं और ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल चारों वेद में 111 कृमियों का नाम है। उसमें से कुछ मैं बता रहा हूं। यातुधान, जो वायु के द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीव है उसको कहते हैं यातुधान, लेकिन आज के संदर्भ में इन सब का जो वर्णन किया जाता है यातुधान कि बहुत बड़े बड़े राक्षस जिनके दांत निकले हो, ऐसा सींग निकला हो, ऐसा कुछ नहीं है। यातुयंताम, जो यातना दे, जो पीड़ा दे, इन्फेक्शन के बाद जो पीड़ा दे, यातना दे, और वह यातुधान है, बहुत तेज फैले। ककुमत कहा गया है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाइब्रेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रमुशान कहा गया है, अत्यधिक संक्रामक क्षमता वाले जीव जंतु। रक्ष ग्रीव, जो गले में दर्द उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं रक्ष ग्रीव। श्रीमा, विषाणुओं को उत्पन्न करने वाला जीव। शोणी प्रदोणी, जो स्त्रियों के कटी में, जो कटि के भाग में को प्रभावित करता है वहां पर उसको कहते हैं शोणी प्रदोदिन। रेरी है, जो घातक रूप से आक्रमण करते हैं वह रेरी है। सुनामा, स्त्रियों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव सुनामा। दुर्णामा, गर्भाशय को प्रभावित करने वाले जीव। दुर्गंधी, जो दुर्गंध पैदा करते हैं, सड़ाते हैं किसी वस्तु को, यही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुर्गंध होता है। वत्सप, स्त्रियों में प्रजनन को समाप्त करने वाले ये जीव हैं। लोहित, लाल रंग के दिखने वाले जीव जंतु। कई ढेर सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लाल रंग के दिखाई देते हैं, जैसे सेरेशिया मैक्रेंस। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे काउंट किया जाए, इस काउंट करने की विधि भी कहा गया है। वह जबकि इसको ऐसा हम नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की गणना की गई है, लेकिन यह गणना किसी और परिप्रेक्ष्य में की गई है। उस गणना को हम यहाँ पर ले करके कह सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने गणना की कितनी अच्छी उत्तम विधि बताई, मैं उसको बताता हूँ। इमा में अष्ट अग्न इष्ट का धेनव संतवेता च शतम दशम, दशम च शतम, शतम च सहस्रम, सहस्रम च चायुतम, चायुतम च न्यूतम, न्यूतम च प्रभुतम, चारभुतम च निर्भुतम च समुद्रस्य मध्य अंतस्य। इसको मैं आगे बताना चाहूंगा। इसका तात्पर्य हुआ कि एक में एक से आप मल्टीप्लाई करिए तो यह 10^1 हुआ, 10 से 1 को करिए तो 10^2, 100 को 10 से करिए 10^3, 3 को इसको सहस्रम च आयुतम, माने 1000 को 10^3 को आयुत, माने 10 से आप मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 10^4। चायुतम आयुत को आप 10^10 से फिर मल्टीप्लाई करिए, यह न्यूत हो जाएगा। ऐसे करके 10^12 तक गणना करने की विधि हमारे ऋषियों ने दिया है। अब मैं आता हूं एक बीमारी करने वाले दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक शब्द है अमीबा, जो बीमारी करता है अमीबा, अमीबियासिस करता है तो डॉक्टर लोग दवा देते हैं। लेकिन ये जो अमीबा शब्द है यह अंग्रेजी का जो है सो है, लेकिन हमारे ऋग्वेद में इनका वर्णन है। यस्ते गर्भम अमीबा दुड़ामा योनिमाशय, जो गर्भ में और योनि में अपना आशय बना ले, वहां रहे और वहां बीमारी करे, उसका क्रमशः नाम है अमीबा और दुड़ामा। जो फीटस को डिटेरिएट कर दे और स्टिल बर्न बच्चे पैदा हो, मरे हुए बच्चे पैदा हो, वह क्या है, अमीबा है। और दुड़ामा जो उम्ब में रहता है, जो यूटरस में रहे, वहां पर किसी तरह का इंफेक्शन करे, उसको कहा गया है दुड़ामा। आगे कहा गया है ये जो
अमीबा है, लेकिन इस तरह के बीमारियों को आप औषधियों के माध्यम से इसको इसका निदान किया जा सकता है। उग्र इते बनस्पत इंद्र ओजमान मा ददौ अमीबा सर्वाश्चातय जय रक्षांस औषधयो। रक्ष औषधियों जिसके अंदर इतना पोटेंशियलिटी है, इन औषधियों का प्रयोग करके ऐसे अमीबा को और जो दूसरे सर्वांश चातयम जो दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यातना देते हैं उनके द्वारा इनको मारा जा सकता है। और जो अभी मैं पहले ही बता चुका था, थोड़ा मैं उसका मंत्र के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि पिशाच शब्द आया है, लेकिन तो हनुमान चालीसा में वर्णन आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वह वाला पिशाच नहीं। जो अथर्ववेद में आता है पिशाच या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही आता है। और कहां कहां इसका वर्णन किया गया है, आमे सुपक्वे सबले विपक्वे योमा पिशाचो अशने ददंब तदात्मना प्रजा पिशाचा वियातयंताम अगदो यमस्तु। जो मीट ईटर है, मीट ईटर ब्लड शकर या मीट ईटर, वो पिशाच है। और वो क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनराइप बिना पके हुए अन्न को खाते हैं, या जो आधा वेल राइप फल है सुपक्वे जो अच्छे ढंग से पक गया है, अगर वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसे भी समाप्त कर देते हैं। हाफ राइप सबले जो आधा पका हुआ भोजन है उसको भी खराब कर दे हैं। ओवर राइप फूड अगर ज्यादा पक गया है तो उसे भी विपक्वे उसको भी समाप्त कर देते हैं। लेकिन इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्योर किया जा सकता है। यातयंताम अगदोम यस्तु जो यात्रा देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और भोजन को खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको समाप्त किया जा सकता है। याद धन का आया है, एक एक केवल मैं मंत्र बता रहा हूं, ढेर सारे मंत्र हैं अथर्ववेद में। सनातने मृत से याद धानन त्वा रक्षांसि पृतनास जिज्ञो समूह रानन कृप्यादो माते हेत्या मुमुक्ष विप्या। इसका तात्पर्य हुआ कि जो भी दर्द करने वाले यातु यंता यातु धानन जो दर्द करने वाले यातु धान है, और जो जो फ्लेश ईटर हैं, जो जो उन सबको फ्लेश ईटर को और जो दर्द कर देने वाले यातु धान हैं उन सबको, जो मीट ईटर हैं उन सबको वनस्पतियों के माध्यम से किल किया जा सकता है। हे ईश्वर आप उनको समाप्त कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना की गई है। चरक के अनुसार इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया, सहज और वैकारिक। सहज बोलते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा है, हमारे हाथ पे, हमारे आंख में, शरीर पे, बाल में, सब जगह दिखाई देंगे, लेकिन वो बीमारी नहीं करेंगे, वो रहते हैं। दूसरा होता है वैकारिक, जो विकार करने वाला, जो रोग करने वाला। तो वैकारिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार भागों में बांटा गया, फीकल मैटर बार जो फीकल मैटर में ही रहते हैं, स्पूटम बार जो स्पूटम निकलता है फेफड़े से उसे बोलते हैं कफज, वहां रहता है फीकल मैटर में रहने वाले को कहेंगे पुरुषज। ब्लड बार जो रक्त को रखाते हैं, रक्त में रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जो मलेरिया पैरासाइट है, फाइलेरिया है, ये सारे ब्लड में ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कहा गया शोणितज। एक हुआ मलज जो वेस्ट मटेरियल में रहते हैं और वहां से उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, वो सारे मलज कहे गए हैं। वन विभाग में सेवा करने वाले हमारे साथी आपके साथ में डॉक्टर शुक्ला जी के साथ में बैठे हुए हैं, एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा गया, एक क्रिमेय पर्वतेशु बनेशु औषधेशु पशुवश्चंतः ते एस्माकं तन्मा विशु सर्व तद्विन जन्मय कृमिणाम। जो कृमिया पर्वतों पे रहती पाई जाती हैं, पर्वतों पे, इसका माने कि कोरोना वायरस पहाड़ पर पहुंच गया। जो कृमिया पर्वतों में रहती हैं, वनों में बीमारी करती हैं, औषधियों को भी के गुण को समाप्त करती हैं, पशुओं के ऊपर रहती हैं और हम सबके ऊपर पाई जाती हैं, उन सारे कृमियों को हे ईश्वर उनको समाप्त कर दीजिए। यहाँ पर मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग बाजार में जाते हैं तो सेब और आड़ू मिलता है। सेब में देखिए कितने इसमें लंबे लंबे स्पॉट हैं, सेब की पपड़ी बोलते हैं, ये जो है यहाँ पर पपड़ी है, एक तरह का फंगस है, उसका नाम है वेंचुरिया, वह बीमारी करता है। बेचने वाले कहेगा जी कुछ नहीं, इसे ले जाओ, दाग लगा हुआ है, सस्ते दाम के बेच देगा।
दूसरा है पीच लीफ कर्ल, आड़ू में ये बीमारी आती है, टेफ्राइना डिफॉर्मेंस करता है, और इस तरह की बीमारियां जब लग जाती हैं तो जो फल है उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये वनों का दो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब भी आएंगे, लेकिन उदाहरण मैंने पहले से तैयार कर रखा था। वाटर बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जल में जो रहने वाले हैं, हम जल भी कहते हैं ना, दूषित जल ना पीजिए, तो जो दूषित जल में माइक्रोब होते हैं दिखाई नहीं देते, महाभारत में इसका वर्णन आता है, सूक्ष्माणि जंतूनि जलश्रयाणि जलस्य वर्णाकृत संधितानि तस्मात् जलम जीव दया निमित्त निरक शूरा परिवर्जयन्ति। जो सूक्ष्म जंतु हैं वो जल में रहने वाले, जल के आश्रय में के रहते हैं या जल में रहते हैं, वो किस तरह के होते हैं, जलस्य वर्णाकृत, जल का जो रंग है, कलर है, उसी के रंग के दिखाई देंगे। इसलिए जल के रंग का अगर कोई जीव जंतु हो गया तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, पता नहीं चलेगा। तो हमारे ऋषियों ने जो जल में न दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनका वर्णन वाटर बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही अच्छा किया है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा, बटर मिल्क, चीरे मा मंते यतमो ददम कृष पच्चे अश्ने धान्य यह तदात्मना प्रजा पिशाचा भी याते अंताम अगदो ये वस्तु। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध में मिलता है, दूध में तो माइक्रो मिलता है, ये तो कोई नहीं कह सकता नहीं मिलता, दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है, और जो मट्ठा होता है उसमें मिलता है। और आप देखिए जब दूध से दही बनाया जाता है तो उस दूध में गर्म करके लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस पे एक चम्मच पुरानी दही उसमें डाल दी जाती है, या थोड़ा मट्ठा डाल दीजिए तो दही बन जाएगी, सारा दूध दही बन जाएगा। इसका माने दूध से दही बनाने वाले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और होते हैं ये लैक्टोबैसिलस, मैंने ये बताया। तो मिल्क में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मंथे क्षीर माने दूध, मंथे माने मट्ठा, फूड ग्रेन में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जैसे जो कंटामिनेटेड फूड, दूषित या संक्रमित अन्नों का प्रयोग करता है, उसके बारे में अथर्ववेद कहा गया है कि राजा की जिम्मेदारी है कि जनता को बताए कि दूषित फल का या अन्न का प्रयोग न करे। ए अन्नेषु विविदन्ति पात्रेषु पिबते जनान तेषां सहस्र योजनेषु धनवान तन्मसी। कि जो लोग दूषित अन्न या दूषित पात्र का सेवन करते हैं, अन्नेषु और पात्रेषु पिबते जनान, जो दूषित अन्न को खाते हैं या दूषित पात्र में जल या दूध पीते हैं, तो उनमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने दो पिक्चर बनाया है, एक भुट्टा है और मूंगफली का दाना। ये जब कंटामिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे फंजाई आती है और बीमारी करती है, अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और अफ्लाटॉक्सिन ये बहुत ही ज्यादा घातक है और यह कैंसर भी करता है। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करते हैं, ये तो प्योर माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म है, इसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, एक केवल बता रहा हूँ यहाँ पर। अमेरिटा फाजाडिस एक तरह का मशरूम है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के अगर 1 ml इंजेक्शन किसी को दे दीजिए तो विद इन टाइम पर्सन विल डाई, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। ऋषियों ने अपने पूरे जीवन को सुखमय बनाया, यहाँ पर इस मंत्र में कल्पना की गई, हाउ टू लिव लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन कैसे भी जिए। ऋषियों ने कहा हे मां सरस्वती, और जिस तरह से लंबे जीवन को बनाया जा सकता है, उसी तरह ऋषियों ने अपने जीवन को बनाया, जो हमारे ग्रेट ऋषि थे, उसी तरह से हमारे भी जीवन को मां सरस्वती आप सुखमय बनाइए। कैसे कैसे, दुहे क्षीरम सर्व मधुदकम पावनाम यो अध्यति ऋषि समृतम रसम तस्मय सरस्वती दुहे क्षीरम सर्व मधुदकम। क्षीर माने दूध, सर्व माने घी, सर्व माने स्नेक नहीं, वेद में सर्पी को घी को कहा गया है। क्षीर माने दूध, सर्प माने घी, मधु माने हनी, उदक माने जल। पूरे जीवन काल में अगर शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध शहद और शुद्ध पानी मिल जाए, जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। जरा हम लोग कल्पना करें कि आज के इस भौतिक युग में क्या शुद्ध मिल रहा है। सच्चाई है न तो शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध घी मिल रहा है, न शुद्ध शहद है और न शुद्ध पानी है, सब में मिलावट ही मिलावट है।
अब थोड़ा मैं आप लोगों को वायरस वाली डिजीज को बताता हूं। वायरस अभी तो थोड़ा माइक्रोबियल जर्नल बता दिया, उस माइक्रोब में जो वायरस है उसको वैदिक भाषा में क्षुद्र रोग कहा गया है, संहिताओं में चरक संहिता में उसे क्षुद्र रोग कहा गया है। तो मैं यहाँ पर तीन उदाहरण देना चाहता हूं, जाउंडिस, स्मॉल पॉक्स और मम्स। जाउंडिस माने जिसको बोलते हैं हरिमा कहा गया, हरिमा, और उस वेद में हरिमा शब्द का प्रयोग गया है। ट्यूबरकुलोसिस को यक्ष्मा कहा गया है, स्मॉल पॉक्स को मसूरिका कहा गया है, और अपचित कहा गया है मम्स को। अथर्ववेद में आता है यो हरिमा जायांग वेदो विशलकृता सर्वते यक्ष्म अंगे वैरवीन त्वान जन्म। जो हरिमा माने हरिमा लिवर डिजीज, जो लिवर में जाउंडिस तो लिवर में ही होता है, और ट्यूबरकुलोसिस कई जगह होता है, इन सब का वर्णन आया है। और जो जाउंडिस है ये पांच तरह पांच कारण है, पांच कारणों से जाउंडिस होता है। क्या क्या? और जाउंडिस को पांडु रोग भी कहा गया है, चरक संहिता में पांडु रोग कहा गया है। और इसीलिए कौरव पांडव आपने सुना है, जो पांडव है उनको पांडु रोग था और बहुत जल्दी उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि लिवर में जो इन्फेक्शन हो जाता है जाउंडिस का तो व्यक्ति ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। पांडु रोग ये पांच तरह का होता है, पांडु रोगा स्मृता पंच वात पित्त कफ त्रय चतुर्थम सन्निपाते न पंचमो भक्षणा मृदम। चरक संहिता के विमान स्थान में आता है ये जो पांडु रोग है, पांच तरह का होता है, वात के बिगड़ जाने से, पित्त के बिगड़ जाने से, कफ के बिगड़ जाने से और पांडु रोग होगा। और जब ये तीनों बिगड़ गया तो सन्निपात बोलते हैं, सन्निपात से हुआ। और पांचवा कारण है भक्षणा मृदम, जो व्यक्ति मिट्टी खाता है, क्योंकि मिट्टी में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कहीं नहीं मिले तो मिट्टी में जरूर मिलेंगे। जहां पर यह मिट्टी सोना भी उगलती है, चांदी भी उगलती है, मेरे देश की धरती सोना उगले गाना भी गाया गया, तो वहां पर इस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी और वायरस भी मिलता है। हम लोग तो लेबोरेटरी में प्रयोग करवाते हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल का पॉक्स का वर्णन वेद में मसूरिका कहा गया, मसूरिका, माता शीतला भी कहा गया, स्कंद पुराण में माता शीतला कहा गया है, और इसका वेद में इसका वर्णन मसूरिका कहा गया है, माता शीतला मसूरिका। तो स्मॉल पॉक्स तो अंग्रेजों की देन है, पुराने जमाने में जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती थी तो उसको उस बीमारी को सोचते थे लोग भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं, और पनिशमेंट दे रहे हैं इसलिए ऐसी बीमारी भेज दिया। तो माता शीतला की उस दिनों पूजा की गई, पुराण में आता है नमाम शीतलाम देवी राजभस्ता दिगंबरा मार्जनी कलशोपेता सुरपा लंकृत मस्तका। मैं उस देवी की पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उस शीतला देवी को जो गधे पर बैठी हुई राजभस्ता दिगंबरा, जो इस पूरे दिगंबर में घूम रही है गधे पर बैठ के, राजभस्ता मार्जनी एक हाथ में झाड़ू है, मार्जनी है, कलशोपेता दूसरे हाथ में कलश है, सूरपा लंकृत मस्तका मस्तक में सूप है, जब नाराज होती है सूप को हिलाती है, गर्दन हिलाएगी, जहां जहां दाना जाएगा स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। जो लोग इनको खुश करेंगे पूजा करेंगे तो गंगा जल गिरा देंगे और झाड़ू से फैला देंगी, वह स्मॉल पॉक्स ठीक हो जाएगा। तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि हमने इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति को भी दूषित कर दिया, वह कल्पना समाप्त हो गई। वो प्रकृति की पूजा करने वाली कल्पना जो हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा था वो सारी समाप्त हो गई है, और आज के भौतिक युग में तो हमें वेदों की तरफ लौटना है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं गंडमाल, इसको अपचित कहा गया है, मंस कहते हैं, अथर्ववेद में आता है अपचिताम लोहिनी नाम कृष्णा माते सुरसुतम मुने देवस्य मूलेन सर्वाभिध्यामिता अहम्। कि जो अपचित होता है गंडमाल होती है, गले के एक तरफ या गले के दोनों तरफ या चारों तरफ इस तरह से स्वेलिंग हो जाएगी, इस तरह से सूजन हो जाती है। ये देखिए इस व्यक्ति को यहाँ पर सूजन हुआ है, और यहाँ पर होती है पैराटोइड ग्लैंड्स होती है, इसमें इन्फेक्शन होता है तो यह फूल जाता है, तो व्यक्ति थूक नहीं निकल सकता और न तो पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये इसको कौन करता है? इसको करता है रुबुला वायरस, जो डिस्कवरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया
वह रुबुला वायरस है, यह भी आरएनए कंटेनिंग वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस आरएनए कंटेनिंग वायरस है। दूसरा, इसके बारे में गंडमाल के बारे में स्कंद पुराण में आता है, गलगंड ग्रह घोरा ये चांते दारुणाम निणाम। गलगंड कहा गया, जब चारों तरफ यह चला जाए तो गलगंड है। दूसरी बीमारी जो कहा गया मसूरिका के बारे में, इस बच्चे का आप चेहरा देखिए, स्मॉल पॉक्स है, और स्मॉल पॉक्स के बारे में विस्फोटक कहा गया, विस्फोटक भयम घोरम गृहत सुन जाए थे। जब विस्फोटक है, जब विस्फोटक रूप ले लेता है, चारों तरफ फैल जाता है शरीर के अंदर शरीर के बाहर, तो ऐसा जो व्यक्ति है इन्फेक्टेड वह जिंदा नहीं रह सकता। और इसको 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बायोटेररिज्म के रूप में यूज करने के लिए वैज्ञानिकों ने सलाह दिया। खैर वह तो लंबी स्टोरी है, वह नहीं बताना चाहता। और चरक संहिता में इस विस्फोटक का नाम आता है विस्फोटक सर्व शरीर गास्तु स्फोटा सदा ज्वर तर्क युक्ता। जब सदा, जब जलन होने लगे, प्यास ज्यादा लगे, जब बुखार हो और लाल रंग के स्पेसेस बन जाए, ब्लिस्टर बन जाए, इरप्शन उसमें निकल जाए, तो यह विस्फोटक रूप है, उसको बोलते हैं विस्फोटा। और जब यह विस्फोटक रूप धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक होने लगता है, तो मसूर के दाने की तरह दिखाई देता, मसूर के दाने तर पूरे शरीर में, तो उस वाली स्थिति को मसूरिका कहा गया। चरक संहिता में आता है या सर्व गात्रेषु मसूर मात्रा मसूरिका कफात प्रतिष्ठा। पूरे शरीर में, सर्व गात्रेषु पूरे शरीर में मसूर के आकृति की यह मसूरिका दिखाई देती है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस इस बीमारी को करता है। इसका शीतलिका, माता शीतला और मसूरिका नाम ये वैदिक नाम है। और इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनको नष्ट करने के लिए सूरज की किरणों के सेवन का वर्णन किया गया। सूरज की किरणों, और कौन सी सूरज की किरण? उदर आदित्य कृमि निहंतु, जो उगता हुआ सूरज है और अस्त होता हुआ सूरज, उगता हुआ अस्त होता हुआ, तो क्या खास बात होती है उगते और अस्त होते सूरज में? उगते और अस्त होते सूरज की जो सूरज है वह लाल रंग का दिखाई देता है, दिन वाला वह लाल रंग नहीं दिखाई देगा। तो इस लाल रंग का क्या रहस्य है अभी मैं बताऊंगा। तो ऋषि ने यहाँ कहा उद्यन आदित्य कृमि निहंतु निमरोचन हंत रश्मि भी है, ये अंत कृमियों गवि है, ये जो कृमियां है इनका अंत, चाहे वो गाय के ऊपर हो चाहे आदमी के ऊपर हो, उगते हुए और अस्त होते हुए रश्मियों का सेवन करने से एक कृमियां मर जाती है। और आगे कहा गया अनु सूर्य उदयताम हृद्योतो हरिमाचते गो रोहित वर्णेन तेन त्वा प्रदत्मसि। यहाँ शब्द आता है गो माने सूरज, रोहित वर्णेन लाल रंग के किरण वाला सूरज, अगर इसका सेवन करेंगे तो क्या होगा? और अनुसूर्य उदयताम, जो उगता हुआ सूरज है लाल रंग की किरण वाला, उसका सेवन करने पे क्या होगा? हृदयोत्यो हरिमांचते, न उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा, हृदय की बीमारी नहीं होगी, और जाउंडिस भी नहीं होगा, हरिमा माने जाउंडिस, यह भी बीमारी नहीं होगी। कितनी अच्छी बात कहा है हमारे ऋषि ने। अब मैं बताना चाहता हूं आखिर क्या रहस्य है लाल रंग के सूरज के किरणों का, लाल रंग क्यों दिखाई देता है? कल्पना करिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, और सूरज यहाँ पर निकल रहा है, सूरज की किरणें यहाँ आपके पास आ रही है, दोपहर भी आती है, दोपहर के समय सूरज की किरणें पीले रंग की हो जाती है, लाल क्यों हो जाती है? आप यहाँ जरा देखिए, इस पॉइंट से, इस बिंदु से यहाँ की दूरी बहुत कम है, जो मैंने ग्रे कलर का ऐसा गोला सा बनाया है, इस बिंदु से यहाँ तक बहुत कम दूरी है, इस बिंदु से यहाँ तक बहुत लंबी दूरी। सूरज की किरणें जब लंबी दूरी तय करके आती हैं और आपके आंखों के पास पहुंचेगी, तो जितने भी शॉर्ट वेवलेंथ की किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सब स्कैटर्ड होके अंतरिक्ष में चली जाएंगी। लेकिन जो लाल रंग की किरणें होती हैं, इंफ्रारेड किरणें, वो नहीं जाती, वह आपके आंख तक पहुंचती है, इसीलिए सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। और लाल रंग की किरणें जर्मिसाइडल होती हैं, और आजकल रेड लैंप भी आ रहा है, डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, रेड लैंप, इंफ्रारेड लैंप बोलते हैं, इंफ्रारेड लैंप मेडिकल साइंस भी प्रयोग कर रहा है। अब थोड़ा मैं चलता हूं यक्ष्मा की तरफ, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ। ट्यूबरकुलोसिस
के बारे में अथर्ववेद में हमारे ऋषि ने 7 मंत्र में सारे ट्यूबरकुलोसिस का वर्णन किया है। ट्यूबरकुलोसिस 2 होता है, एक को कहते हैं पल्मोनरी जो फेफड़ों में दिखाई देगा, इन्फेक्शन होगा, और दूसरा एक्स्ट्रापुलरी जो फेफड़े के अलावा शरीर के अन्य भाग में दिखाई देगा। तो ऐसे 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 जगहों का वर्णन हमारे ऋषियों ने किया है जो 1 लाख में केवल एक व्यक्ति मिलता है, आज का मॉडर्न साइंस कहता है 1 लाख में एक व्यक्ति को ही मिलता है और बाकी में नहीं मिलेगा, वह आज का हमारा मेडिकल साइंस ऐसा कर रहा है। मैं शुरू करता हूं। गर्दन के ऊपर कहां कहां यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस होता है, कहां कहां ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वही बीमारी करता है। तो कहां कहां मिलेगा, अक्षीयाम तेनासिका भाम कर्णाभ्याम चुभकादपि यक्षम शीर्षण्यम मस्तिका जीवायाम भी व्रहामिते, आंखों में अक्षीयाम नासिकाभ्याम नाकों में कर्णाभ्याम कान में चिन्स में चुभकादपि शीर्षण्यम ब्रेन में टंग में जीवायाम और मस्तिष्क ब्रेन में और शीर्ष हेड पे खोपड़ी के कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ऐसा हमारे ऋषि मंत्र में कहा गया है अथर्ववेद में। आगे ग्रीवा भस्त गर्दन में उष्णी भ्यास्त, उष्णी बोलते हैं नेप को, वेंस जो नेप में जाती है, कीका साभ्यो अनुक्यत यक्ष्मम दोषणय साभ्याम बहुभ्याम ब्रहामिते, जो स्पाइंस के जो पीठ में हड्डी आ रही है, जो स्पाइंस है स्पाइनल कार्ड है वहां भी होता है, शोल्डर्स में होता है, आर्म में, बाहुभ्याम ये भुजाओं में यह ट्यूबरकुलोसिस होता है, ऐसा ऋषि मंत्र में आता है अथर्ववेद में। आगे है आंत्रभ्यः आंत में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, गुदाभ्यः गुदा में ट्यूबरकुलोसिस, वरिष्ठो भी रुधिरादि भी जो वरिष्ठ है मेजेंट्रिकल लेयर है वहां भी ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मे कुक्षिभ्याम कुक्ष में प्लासेभ्याम ब्रहामिते, और जो नेवल्स है वहां पर भी नाभि में वहां भी ट्यूबरकुलोसिस जहां कहीं होता है उनको मैं समाप्त करता हूं, ऐसा ऋषि मंत्र में आता है। आगे है उरुभ्याम ते अष्टिभ्याम, उरु में जांघों में जो उरु है थाई जांघ जो है वहां पर, अष्टिभ्याम पार्श्वभ्याम प्रभदाभयम यक्षम भसस्दम सोडुभ्याम भासदम वसुदोभ्याम ते, कि जो घुटने हैं वहां पर जो हील्स है एड़ी है वहां पर फोर फीट आगे के पैर में हिप्स कमर में और एनस में, यहां भी ट्यूबरकुलोसिस का वर्णन हमारे ऋषियों ने शरीर के अंदर के भाग का वर्णन किया है। जरा देखिए मेडिकल साइंस आज जो एनाटॉमी की बात करता है, हमारे वैदिक समय में उस वैदिक ऋषि कितनी अच्छी एनाटॉमी की बात किया है। आगे देखिए अथर्ववेद के 6 मंत्र में आता है अस्थि भस्ते हड्डी में बोन ट्यूबरकुलोसिस, डॉक्टर कहता है लेकिन हमारे ऋषि बहुत पहले के अस्थि भस्ते मज्जभ्य बोन मैरो के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, स्नायुभ्य जो स्नायु बोलते हैं साइनसेस को साइनस और वेंस वहां पर, धमनीभ्य धमनियों में ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा पाणिभ्य हाथ में अंगुलिभ्य अंगुलियों में, नखोभ्य नेल में ट्यूबरकुलोसिस कहीं होता है उसको मैं समाप्त करता हूं, ऐसा अथर्ववेद में आता है। और लास्ट में ऋषि ने कहा कि अंगे अंगे लोमनी लोमनी, हर अंग प्रत्यंग में हर रोए के नीचे या रोए में जहां कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, यक्ष्मम त्वचम अगर त्वचा में होता है, कश्यपस्य विवरहेण विश्वंच विव्रहामिते, कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है उसको मैं समाप्त कर देता हूं। और कैसे, विद स्कटरिंग रेज ऑफ सन, ये जो सूरज की किरणें निकल रही है इन किरणों के माध्यम से सब जगह अंगे अंगे लोमनी लोमनी सारे जॉइंट्स का ट्यूबरकुलोसिस समाप्त कर देता हूं। इस ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करने के लिए एक मेडिसिनल हर्ब का वर्णन किया गया और ये क्या है, गुग्गुल है। न तम यक्ष्मा अरुद्धते नैनम शपते अश्नुते यम भेषजस गुलगुलो सुरभि गंधो अश्नुते, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस कभी नहीं होगा जो गुग्गुल के सुरभि का उसके गंध का सेवन करता है। उसके गंध का कैसे सेवन करेगा, इससे निकलने वाला जो गुग्गुल है
गूगल को जलाने के बाद जो उसकी सुगंध निकलेगी उस सुगंध में होता है गुगलोस्टेरॉन, मॉडर्न साइंस कहता है। और उस गुगलोस्टेरॉन का जब नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा और शरीर के बाहर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अंदर इकोलाई स्टेफलोकाकस ये सारे बैक्टीरिया हैं, ये मर जाते हैं, ये मॉडर्न साइंस करता है, कह रहा है। और हमारे ऋषि ने कहा इसके केवल सुरभि उसके गंध के सेवन से यह बीमारी दूर हो जाती है। और एक दूसरा पौधा का वर्णन किया गया एकोरस कालेवस बोलते हैं, वच वच का प्रयोग करने से अनवान यंत्र शीशा मेलो पार्शेयम क्रीम अवस्कयम बेधरम क्रीमीन वचसा जव्यामी, चाहे वो शीश पे हो चाहे अन्यत्र हो आंत्र में हो, उन सारे ट्यूबरकुलोसिस वाले जर्म का की समाप्ति ये वच नामक पौधा से मैं इसको कर दूंगा। दूसरी यही माइक्रोबैक्टीरियम की बीमारी है वह लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग के बारे में भी कहा गया है, ये तो देवस्त्रायमाणा कुष्ठो हिमवत परिह तक मानव सर्वनाशय सर्वास्य यादुधान्य, जितने भी यादुधान है कष्ट देने वाले हैं तक मान है, वह एक वनस्पति है, उस वनस्पति का नाम है कुष्ठा। उस कुष्ठा नामक वनस्पति से यह समाप्त हो जाता है जो दर्द करने वाली दर्द करने वाला कुष्ठ रोग है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेपरी फैलाता है। लेकिन वह कुष्ठा प्लांट कहाँ मिलेगा, हिमवत परी है, हिमालय पे जहां पर बर्फ जमी होती है, बर्फ पिघलने के बाद वह पौधा वहीं पर विकसित होना शुरू करेगा। उन्होंने स्थान बता दिया हिमवत पर हिमवत तस्परी। अब मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर और बाहर कितनी संख्या में मिलते हैं, ये लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, हाथ में लगभग 1000 माइक्रो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम लोग शेक हैंड करते हैं इसका माने 1000 में से कई ने ढेर सारे माइक्रो अपने मित्र को हैंड ओवर कर देंगे। भाग्य पे फोरहेड पे जो मस्तिष्क है ललाट जिसे कहते हैं 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्काल्प में 1 मिलियन नोज म्यूकस जो नाक बहती है उसमें से 10 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्पिट सलाइवा में 100 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर माइक्रोग्राम पर ग्राम और फीकल मटेरियल में 100 मिलियन 100 मिलियन पर ग्राम ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अब उनको उनसे बचने के लिए हम क्या करें, हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है, धर्म सिंधु एक पुस्तक है उसमें लिखा है लवणम व्यंजनम चैव घृतम पैलयम तथा विच लेहयम पेयम च विविधम हस्त दत्तम न भक्षयेत। लवण को साल्ट घी तेल खाने वाली सामग्री पानी और दूध या अन्य कोई भोजन भोजन वाली सामग्री है, लेहयम पे हम चटनी भी ले माने चटनी, चटनी को नंगे हाथ से नंगे अंगुलियों से नहीं निकालना चाहिए। हस्त दत्तम न भक्षयेत खाली हाथ से नेकेड हाथ से नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या है जो चित्र में यहाँ जर बनाया गया है और देखिए सलाद कोई महिला निकाल रही है एक खाने वाले के हाथ में चला जाएगा, अगर हम अपने हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे मुंह में चला जाएगा। आगे है पद्म सृष्टि में लिखा गया है हस्त पादे मुखे चैव पंचाद्रे भोजनम चरेत, हाथ पैर और मुंह इन चीजों को हाथ पैर और मुंह तीन चीजों का को धो करके ही पंचाद्रे इनको धो करके ही भोजनम चरेत भोजन को करना चाहिए। और आगे लिखा है सुश्रुत संहिता में न अप्रक्षालित पाणिपादो भुंजीत, न भुंजीत अप्रक्षालित पाणिपादो बिना हाथ और पैर को धोए मुंह को धोए खाना मत खाइए। कितना बढ़िया उपदेश हमारे ऋषि ने कहा है। अब आजकल कोरोना काल में तो कह दिया हर 20-20 मिनट पे हाथ धो, अब जरा देखिए यहाँ तो 20-20 मिनट पे हाथ धोने के लिए कहा गया है। हमारे ऋषियों ने पहले कहा केवल हाथ नहीं मुंह भी धो आप पैर को भी धो इसके बाद तब आप भोजन करने के लिए बैठो। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वत्र व्याप्त है हमारे आपके अंदर भी हैं बाहर भी हैं वातावरण में हैं, उन सारे ये जो जर्मी जर्म्स हैं जो बीमारी करते हैं उनको दूर भगाने के लिए एक उन्होंने वैदिक टेक्निक भी दिया
और वो क्या है, अग्निहोत्र, हवन करना। हवन माने दैनिक अग्निहोत्र, जब सूरज की लाल रंग की किरणें निकलती हैं और वही उसका समय है। यह नहीं कि रात में दिन में जब मर्जी कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सूरज की जो लाल की रंग की किरणें निकलती हैं तो उसी समय में इन सारे अग्निहोत्र का आयोजन करना चाहिए, और नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसके करने से होता क्या है, लोग कहते हैं क्या होता है आग जला के घी डालने के श्वास वहां करने से, यजुर्वेद में आता है आयु यज्ञ कल्पताम, यज्ञ करने से आयु बढ़ती है, प्राणो यज्ञ कल्पताम, प्राण पुष्ट होता है, चक्षु यज्ञ कल्पताम, ये जो चक्षु है आंख की अगर बीमारी होगी तो बीमारी दूर हो जाएगी, और नेत्र जोड़ी ज्योति बढ़ती है। ऐसे एक लंबा सा मंत्र है, यजुर्वेद में आता है। साइंस के माध्यम से थोड़ा मैं बताना चाहता हूं इसके करने से क्या होगा। जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड रखा गया है, या इसको कहिए हवन कुंड है, इसमें जब आहुति डालेंगे, मेडिसिनल प्लांट होगा, समिधा भी होगी, समिधा निश्चित है क्या समिधा लेना चाहिए, उसी तरह से मेडिसिनल प्लांट ऋतुओं के अनुसार निश्चित है। वेद में कहा गया है कि हर दो दो महीने के बाद कौन कौन सी हर्ब्स लेना चाहिए, कौन कौन से एरोमेटिक प्लांट लेना चाहिए, कौन कौन सी अशुद्धियां लेना चाहिए, इन सब का वर्णन है। जब इसमें घी के साथ में आहुति डालेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर, थोड़ा ऊपर वाला का टेम्परेचर भाग का ज्यादा होगा, 600 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ऐसे टेम्परेचर पे अलग अलग तरह के केमिकल्स निकलते हैं, बर्न, जब लकड़ी बर्न होगी अलग अलग टेम्परेचर पे केमिकल निकलेंगे, उसमें घी भी होता है, वो भी हेल्प करता है। यहाँ एक दो मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, फॉर्मिक एसिड जो जर्मिसाइडल है, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, वो भी निकलता है, एस्ट्रिक एसिड, पायरिक एसिड, लारिक एसिड। लारिक एसिड अगर होगा तो ये डेंगू वाला मच्छर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि लारिक एसिड यह इंसेक्ट रिपेलेंट है। इसलिए अगर डेंगू से बचना है तो नारियल का तेल जरूर लगाना चाहिए, अग्निहोत्र का जरूर परिपालन करना चाहिए। अल्कोहल निकलता है, एसीटोन भी, एल्डिहाइड भी, बोर्नियाल भी, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ईस्टर भी, ईथर भी, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे निकलते हैं कहां से, फ्यूमिगेशन जोन और पार्शियल फ्यूमिगेशन जोन से यह निकल करके बाहर आएगा। तो जो अग्निहोत्र करता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, अगल बगल की जो वनस्पतियां हैं वो भी प्रभावित होंगी, और अगर आप घर में करते हैं तो अन्य सस्तरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, बीमारी फैलाने वाले हैं, वो भी मर जाएंगे। इसलिए दैनिक अग्निहोत्र हमारे ऋषि किया करते थे, और आजकल तो जहां हमारे विश्वविद्यालय में दैनिक अग्निहोत्र होता है, यह दुनिया का एक ऐसा विलक्षण और पहला विश्वविद्यालय है जहां पर दैनिक अग्निहोत्र होता है। अगर जो लोग दैनिक नहीं कर सकते, साप्ताहिक किया करें, संडे को ही किया करें, नहीं तो मासिक ही किया करें, जरूर किया करें, लेकिन वो सब नहीं करते। आजकल तो क्या है, एक अवसर, विशेष अवसर पर भी अग्निहोत्र लोग करते हैं, जैसे शादी ब्याह हुआ, सत्यनारायण व्रत कथा कह दी है, तब हुआ, न जाने कब होगा, 4 साल होगा या 5 साल में होगा। लेकिन मेरा तो सजेशन है, अपने घर में इन सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए उसमें गूगल भी आप डालिए, लोबान भी डालिए, अग्निहोत्र करेंगे तो जो बीमारी करने वाले जर्म्स है वो तो मर जाएंगे, और सारे केमिकल आपके घर में फैल जाएगा, आपके शरीर के ऊपर भी जो जर्म्स लगे हैं वो भी प्रभावित होंगे, मर जाएंगे, और नाक के माध्यम से और फेफड़े में कोई जर्म्स है अननेसेसरली वो भी मर जाएगा, जैसे कि अथर्ववेद में इन सब का वर्णन किया गया है। वैसे तो अग्निहोत्र पे मैं एक अलग से लेक्चर बनाया हूं, लेकिन थोड़ा एक ही पीपीटी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। इन सब बातों को मैंने अपनी एक पुस्तक अभी प्रकाशित किया है, वैदिक माइक्रोबायोलॉजी, और श्री आर्यभूषण शुक्ला जी को मैंने बाई पोस्ट भिजवा दिया है पब्लिशर के माध्यम से, आपके आईकेएस के एड्रेस पे, वो 3 तारीख को पोस्ट कर दिया, मुझे उसने उसका रसीद भी भेज दिया, हो सकता है आपको मिल एक दिन में मिल जाएगा, या क्या पता आपके ऑफिस में पड़ा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ। निश्चित ही इस विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की सत्रों की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे
प्रमुख अध्यक्ष अतिथि प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, इनका परिचय देने के लिए मैं हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर श्री अनुराग देशपांडे जी को निवेदन करता हूं। थैंक यू श्रेयस जी। आई एम प्रिविलेज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी। प्रोफेसर नीरज गुप्ता इज एन आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड एन एकेडमिशियन ऑफ अक्लेम। ही इज ऑल्सो द एचओडी डीन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डायरेक्टर डीडीयू कौशल केंद्र एट Central University of Rajasthan. He was earlier Dean Academics of University for 2 years and has also officiated as Controller of Examination for 2 years. He has served as a technical expert, advisor and consultant to premier national level institutes like IIT Rajasthan, IIT Kanpur, IIT Rupar, IIM Udaipur and various such institutions. For 9 years, he has worked as a professor of urban development at HCM Rajasthan State Institute of Public Administration. As an architect planner, he has designed more than 300 projects of medium and large scale covering all the range of activities. So currently is working as a vice chancellor of Central University of Rajasthan. I welcome you, sir, and request you to kindly address the gathering. So, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि मैं दुबे साहब के व्याख्यान से बिल्कुल अभिभूत हूं। मतलब उसके बाद में कुछ कहना जो है मतलब एक बहुत ही ये उचित नहीं होगा। मैं तो बहुत सारी बातें जो कहना चाहता था, मतलब क्योंकि मैं उस एरा से गुजरा हुआ हूं जहां पर दिल्ली में जब हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे तो रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांध के स्कूल जाने में शर्म आने लग जाती थी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया था, मतलब मैं उन ऑथर्स का उनके नाम नहीं लेना चाहता, या तिलक लगा के जाने में जो है ये एक बहुत ही संकोच महसूस होता था। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि योजनाबद्ध तरीके से हमारी सेल्फ एस्टीम को कम करने का एक कार्यक्रम था जो अलग स्तरों पर चला है। मैं इस पूरे विषय को इस तरह से देखता हूँ कि बहुत सारा ज्ञान वेदों में उपलब्ध है, उसको सही जगह पर पहुंचाने का कार्य शायद जो अब प्रारंभ हुआ है, आज से 10 साल पहले प्रारंभ हो जाता तो हम कहीं ज्यादा उत्तरोत्तर प्रगति करते रह सकते थे यहाँ पर। लेकिन एक बहुत संकोच है कि वो जो अनेक दशकों का एक जो माइंडसेट है, अब मैं इसको बहुत प्रैग्मेटिक रूप में कह रहा हूं कि आज यदि हम इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो जो पूरा स्ट्रेटा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो स्ट्रेटा वो वाला है जो 1970 और 80 के दशक में मेरी उम्र का है। तो शब्द पता नहीं उपयुक्त है या नहीं पब्लिक फोरम पे, वी आर इन मेनी वेज न्यूट्रलाइज्ड हिंदूस इफ नॉट चेंज्ड हिंदूस। द होल प्रोसेस इज दैट ऑफ नॉट टेकिंग प्राइड इन अवर ओन नेशन। No, that is where I look at it. It's not about whether it is 5000 BC or 1500 BC. You know, after doing all this thing, unless things yog ko jab tak yoga nahi ban jata, to shayad hum usko angikar nahi karte. Ye hamari kuch bachana hai. Ram Rama jab tak nahi ban jaye, tab tak usko angikar hum nahi kar payenge uske andar. To ye jo ek vidamna hai, isko kaise tala jaye, ye bahut hi kathin prashn hai. Aur main samajhta hu uske andar jo yuva peedhi, jo Shukla ji aur aapke saath mein jo baithi hui hai, ये शायद अग्रणी होगी, तभी ये कुछ कार्य हो पाएगा। हमारी उम्र के लोगों से तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग, आई कॉल माइसेल्फ ए न्यूट्रलाइज्ड हिंदू, ईश्वरी अनुकंपा रही कि 20 साल पहले कुछ वापस से इन सब चीजों को देखने का मौका मिला, और जब देखा कि जब वैज्ञानिक आधार पर अग्निहोत्र को किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, किस प्रकार से वो चीजों को एक्टिवेट करते हैं, ये तमाम चीजें जो मतलब मैं कहूँ बहुत ही साधारण भाषा में दादी नानी के नुस्खे या ये कहें कि सुनामी को प्रेडिक्ट करने में पूरा सिस्टम फेल हो गया, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी अंडमान निकोबार की थी उनको कोई भी हार्म नहीं हुआ, या जब भयंकर भूकंप और इस प्रकार की घटनाएं हुई, केदारनाथ के मंदिर किस प्रकार से बचे हुए रह गए, या किस प्रकार से लिंगराज जगन्नाथ जी का मंदिर आज की तारीख में अस्तित्व है, तमाम उदाहरण है जहां पर हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने उसको सही सही कार्य नहीं किया है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो जब हमारे को ये ज्ञात है कि 22 प्रकार के रोग अग्निहोत्र से नष्ट हो सकते हैं, तो इसको हम निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार दे सकते हैं। तो कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रोबेबली फंडिंग की आवश्यकता है टू एस्टैब्लिश व्हाट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड।
ये मतलब एक और विडंबना है कि जो चीज इट्स लाइक एस्टैब्लिशिंग दैट माय मदर इज माय मदर यू नो बाय अ डीएनए टेस्ट एंड देन पीपल ट्राई टू डाइल्यूट इट एंड पीपल ट्राई टू मतलब उसको अलग तरीके से अपना वो करते हैं. हमने जो अपना छोटा सा प्रयास करा है वो इस तरह से करा है कि जो बहुत सारी चीजें मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ. करीब 300-100 मकान अगर मैंने बनाए होंगे और उस समय तथाकथित रूप से वास्तुशास्त्र इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था हमारे क्षेत्र में और दिल्ली से पढ़ने के बावजूद अगर हम उस प्रकार की बातें करते थे तो लगता था कि कहीं ये पुरातन उसमें से आए ना. मतलब हिंदी बोलना मेरे को ध्यान है योजना में वास्तुकला विद्यालय में जब पहली बारी 1977 में हिंदी में भाषण दिया तो कई लोगों ने उंगली उठाई बिकॉज हिंदी में बोलना अपने आप में ही एक माना जाता था कि आप अज्ञानी हैं और ये दैट काइंड ऑफ थिंग. मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि सर इसको किस तरह से हम लागू करें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है और यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान हैं क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर पाठ्यक्रमों को संचालित करने के क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के यदि इसके ऊपर बहुत त्वरित गति से कार्रवाई हो तब हम वापस आ पाएंगे इसके अंदर. और मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहूंगा. ये वेद की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसको संस्कृत में जो पुराना बस एक रटने वाला प्रारंभ याद था या चंदा मामा गलती से जो संस्कृत में पढ़ ली होगी जो अभी कुछ रूप में स्मरण है उसके आगे शायद हमारा वो विषय नहीं रहा है. तो एक लिंग्विस्टिक्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा. सारा जो अभ्रंश हुआ है यू नो एवरी वर्ड इज अ लगेज ऑफ अ कल्चर. आई मीन एवरी वर्ड कम्स विद अ मीनिंग विद अ कल्चरल लगेज. सो वी विल हैव टू रियली रीडू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. आई मीन एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स एंड जिस प्रकार से आपने बताया क्रिमी और तमाम ये जो चीजें हैं ये एक विषय है. स्कूलों के स्तर पर निश्चित रूप से प्रावधान है और हम तो ये कह सकते हैं कि साहब यदि कुछ मिराकुलस एक्सपेरिमेंट्स या योजनाएं जो यदि हम कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से और ये जो प्रयास है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रोजेक्ट लेके और इम्प्लीमेंट करने के पीछे और मैंने देखा है कि हमारे विश्वविद्यालय में उसको लेकर जितना उत्साह है उतना DSTI और अन्य प्रोजेक्ट को लेकर शायद नहीं रहा. और ये बहुत ही एक मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम इस विषय पर उत्साह बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास आगे होते ही रहेंगे. यदि ये जो लेक्चर जैसे दुबे साहब का लेक्चर है इसके अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो तो मैं चाहूँगा कि हम उसको सर्कुलेट करें अपने फैकल्टी को और अन्य सभी लोगों को. अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ. जैसे मैंने कहा कि ज्ञान की बात दुबे साहब के बात करना बहुत ही अनुचित है शायद तो मैं बहुत व्यवहारिक से बात करते हुए अपनी भाषा को यहाँ पे विराम देता हूँ. और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया. मैं निश्चित रूप से इसका पात्र नहीं हूँ ये बात मैं जानता हूँ लेकिन ये बात जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं पता. ये मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता है और शायद इसीलिए शायद मुझे इस प्रकार का अवसर मिला. ये एक ईश्वरीय अनुकंपा है और शुक्ला जी ने जो पता नहीं क्या सोच के मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सिंह साहब का मैंने कुछ एक चीजें सुनी हुई और पढ़ी हुई हैं तो मैं कभी विस्तार से अन्य मौका मिलेगा तो वनस्पति के क्षेत्र में और फॉरेस्ट एरिया के अंदर कुछ निश्चित रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे इसके ऊपर. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और दुबे साहब बहुत बहुत साधुवाद हमारा ज्ञान वर्धन के लिए. धन्यवाद प्रोफेसर गुप्ता जी. और आपका एक बात में कायल हो गया. मैंने पहली बार देखा कोई इतनी गंभीर बात कोई आदमी इतने सहज और सरस तरीके से कह सकता है सोचा नहीं जा सकता. आप भी बहुत बड़ी बात इतने कंसाइज फॉर्म में और इतने सरस तरीके से इतने सहज भाव से गई है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं. और जो आपका कार्य है वो स्वयं बोलता है. आपके यहाँ से पर नाउ 9 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास. ये अपने भी एक अलग रिकॉर्ड है. इतने कम समय में 9 प्रोजेक्ट को बना करके भेज देना ये दिखाता है कितने सीरियस आप इस विषय के बारे में. न केवल आप कह रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे हैं. तो आपका व्यक्तित्व आपका कृतित्व दोनों एक साथ झलक रहे हैं इसके ऊपर. तो मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं श्री केडी सिंह से अनुरोध करूँगा कि 2-4 शब्द भी समापन में बोले. श्री केडी सिंह. सबसे पहले तो मैं प्रिय मित्र शुक्ला जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे प्रोफेसर दुबे को सुनने का. और जो वेद का एक अलग ही रूप आपने प्रस्तुत किया. एक मैं एक वन विभाग का अधिकारी रहा हूँ
और उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये बिल्कुल ही, मैं अपने को कितना अज्ञानी महसूस कर रहा हूँ आज, ये वेद जो हमारे देश का है, ये तो जरूर ही मैं अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से और जो इसमें कुछ कर सकते हैं उनसे बात करूंगा कि भाई इसको एक फॉरेस्ट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हम लोगों का, जो फॉरेस्ट कॉलेज है IFC, वहाँ पे इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि बिना इसके एक जो कि उस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ और उससे इतने अज्ञानी हैं हम लोग, तो मुझे तो कुछ कहिए तो एक शर्म सी महसूस हो रही है आज प्रोफेसर दुबे को सुनकर के। मैं अभी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब हम लोग फॉरेस्ट में ये बातें करते हैं कि प्राणियां विलुप्त हो रहे हैं और उसके कारण जो इकोसिस्टम में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है और जो जिसमें कि दृश्य है और जो अदृश्य है, तो दृश्य के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं बहुत कि इस प्राणी पे आधारित था, अगर हम टाइगर समाप्त कर देंगे तो बहुत सारे जीव उसके ऊपर जो आधारित हैं, तो पूरा ही जो इकोसिस्टम का पिरामिड है वो ढह जाएगा। लेकिन अदृश्य के बारे में हमारे वेदों में भी इतने विस्तृत रूप से चर्चा की गई है अदृश्य प्राणियों के रूप में के बारे में, जैसे कि वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, तो ये कितने विलुप्त होते होंगे हजारों लाखों की संख्या में एक प्राणी के विलुप्त होने के कारण, तो इस चीज को भी हमारे वेदों में सम्मिलित किया गया है। तो इन सब आयाम को इस परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मैं तो यही चाहूंगा कि आज मैं, मुझे तो ज्ञान बहुत ही तुष्टि हुई इसको जान करके कि ये भी पक्ष है एक भारत का, और हिंदू धर्म के बारे में जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने बताया, तो हिंदू धर्म तो इट इज द क्वेस्ट फॉर अननोन, तो ये तो चलता रहेगा निरंतर, तो जो अज्ञात है उसको ज्ञात करने के ही हम तो वही हिंदू धर्म मानते हैं, हमारे वैदिक वेद में भी यही है। तो ये मैं आज आपका बहुत बहुत इसके लिए आपके ज्ञान को मैं नमन करता हूँ प्रोफेसर दुबे, और मैं चाहूँगा कि ये जो भी आपने व्याख्यान दिया है उसकी एक कॉपी उपलब्ध कराएं, मैं अपने जितने भी फॉरेस्ट में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको भेजूंगा, और इसके बाद सबको जो फॉरेस्ट कॉलेज में डीन है उनके पास भेजूंगा, तो जिससे कि इस पक्ष को फॉरेस्ट में पढ़ाया जाए और उसके बारे में बताया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूँ और मेरे ज्ञान वर्धन करने के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज के हमारे समापन सत्र की ओर बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आपके हम आभार प्रकट करते हैं सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए अमूल्य समय दिया। उसी के साथ आज के हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे जी, जिन्होंने वैदिक माइक्रोबायोलॉजी को आज के इस व्याख्यान द्वारा एक नई दिशा दी, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी के साथ डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारी दोनों संस्थाएं अखिल भारतीय तथा इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिनके संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, हमारे सारे यूट्यूब व्यूवर्स तथा जिनके मार्गदर्शन में यह श्रृंखला चलती रही है, वह हमारे प्रमुख चीफ कोऑर्डिनेटर श्री ए बी शुक्ला सर, इनको भी इनकी तरफ से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इसी के साथ, इस मंत्र पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। हरि ओम। सम समिद्यो वसे वृषण्यग्ने विश्वान्यर्या, इरस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मन्त्रः समीतिः समानी, समानं मनः सह चित्रमेषाम्। समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी वाकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सह सति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति।